हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक पहाड़ी डिश I still remember. Then I began.
मैं डालूंगी इसमें आधी चम्मच हल्दी, गैस थोड़ा कम कर लूंगी, और एक चम्मच डालूंगी धनिया पाउडर, और एक चम्मच धनिया पाउडर, और आप डालिए इसमें एक चम्मच सब्जी मसाला। इसमें मैंने सब्जी मसाला नहीं डाला, मैंने सिर्फ धनिया पाउडर और क्या कहते हैं हल्दी का यूज किया है, मिर्च मैंने वैसे डाल दी। अब मैं इनको ऐसे ही पकाऊंगी, इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। हम लोग मसाले कम यूज करते हैं, लेकिन आप इसमें आधी चम्मच चिली पाउडर डालिए और कम से कम एक चम्मच सब्जी मसाला डालिए, और इसको अच्छी से पकाइए जब तक कि इसके ऊपर ऑयल तैरने ना लग जाए। इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, और इसमें आप क्या कहते हैं मैगी मसाले का भी यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस, अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए ये मैगी के मसाले के अंदर वाला मसाला है, मैजिक मसाला नहीं है, थोड़ा सा डालूंगी, ज्यादा नहीं, बस ये हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू, ये देखिए ये हमारी पहाड़ की बहुत फेमस डिश है, अगर आप इसे छुट्टी के दिन बनाएंगे आपका पूरा दिन बन जाएगा। बस पहाड़ी डिश की एक ही खासियत है कि उसे हल्की आंच पे खूब पकने दिया जाए। इसको ऐसे करके अब मैं इसमें नाप के पानी डालूंगी, इस कटोरे से, ये टमाटर काटा था मैंने इसी से, इसमें कम से कम डालूंगी मैं 3-3.5 कटोरा पानी, 1, ये देखिए 2-3, और थोड़ा सा और। मैं इसको इतना पकाऊंगी कि 2 कटोरी पानी बच जाए इसमें। इसको चलाऊंगी मैं, इसको मैं चलाते हुए ही पकाऊंगी, यानी मैं बीच बीच में से देखते रहूंगी, चलाते रहूंगी, जब जब भी मैं बीच बीच में चलाऊंगी मैं आपको दिखाते रहूंगी कि कैसे। इसका एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी इसमें मसाला चिपके साइड में, इसको ऐसे करिए, ऐसे करके इसको बीच में लाते रहिए टाइम टाइम पे। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, हल्की आंच कर रखी मैंने, हल्की आंच में ही पकेगा। इसे चलाते रहिए, नहीं तो उबाल आके सारा गिर जाएगा। टाइम टाइम पे इसको चलाते रहिए। शुरू में आप इसकी गैस बढ़ा भी सकते हो जब तक कि इसमें एक दो उबाल ना आ जाए, मैंने अभी थोड़ी बढ़ा दी है, ये देखिए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आप इसको हल्की आंच पे रखिए, देखिए गाइस इसमें मलाई जैसी लगने लगी है ये,
अभी पूरी में लग जाएगी ये, फिर मैं इसको पकाना छोड़ दूंगी। इसको चलाते इसलिए रहना, बर्तन देखिए नीचे से थोड़ा सा चिपक गई है, लेकिन थोड़ा सा चिपकी थी बस। गाइस ये पक चुका है और मैं इसकी पर डालूंगी अब कसूरी मेथी और मैं इसे अब सर्व करती हूँ। ये देखिए अब मैं इसे चावल के साथ परोसूंगी। ये देखिए गाइस जिनू नो ओ नो 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 ओ नो 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 टमाटर।